डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास सेवन्थ, गणित, अध्याय फोर्थ, एक्सरसाइज 4.2, सरल समीकरण। बेटा, आज हम सेकंड सम करेंगे इसका। हाँ जी, देखो बेटा, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। बेटा, जिवें आपां पिछले सम कीते सी, एवी ओवें सेम एज इट इज़ करना है, पर उहदे विच सिर्फ आपां प्लस कीता ही माइनस कीता सी। हुण इहदे विच डिवाइड भी करांगे ते मल्टीप्लाई भी करांगे नंबर। उहदे विच सिर्फ आपां जिहड़ा नंबर बनाउंदे सी, जिहड़ा समीकरण हल करदे सी, जां चर नूं हल करदे सी पहले नूं, उहदे विच बेटा आपां की करदे सी, जां ते उह नंबर प्लस कर दिंदे सी जां कोई माइनस हुंदा सी। हुण इहदे विच मल्टीप्लाई हो सकदा है, डिवाइड होना है, देखांगे किहदे च मल्टीप्लाई हो के आंसर आना है, समीकरण हल होना है, ते किहदे च डिवाइड हो के। पंजाबी मीडियम वाले बच्चे देखो बेटा, पहले चल नूं वख करन लई प्रयोग कीता जाण वाला पग दसो अते फिर समीकरण नूं हल करो। ठीक है, फिर आपां समीकरण नूं हल करना है। फस्ट सम देखो, 3L = 42। हाँ जी बेटा, की कहा सी उन्होंने फस्ट सम सानू, 3L = 42। 3L = 42। हुण बेटा आपां इधर एल रहन देना, सिर्फ बाकी सारे टर्म खत्म करनी है। एल दे नाल की आंदा, 3L नाल की होंदा बेटा गुणा। तो जे बेटा आपां 3 नूं खत्म करने हैं, जे आ गुणा होंदे आ, तो इहदा जिहड़ा दूसरा नंबर लवेंगे उहदा उल्टा होएगा, वह की आपां लवेंगे डिवाइड वाला, कि दोवें पासे आपां की करांगे 3 नाल भाग, दोनों पक्षों में 3 से भाग करो। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले की लिख देंगे, दोवें पासे नूं 3 नाल भाग करो। ठीक है, दोवें पासयां नूं 3 नाल भाग करो। जे हुण भाग करांगे की आएगा, 3L इत्थे होएगा, इहदे ओवर च 3 आ जाएगा, इत्थे 42 है, इहदे भी ओवर च 3 है। ठीक है, ओवर च आने मतलब की होंदे आ, भाग होंदे आ। ठीक है, ऐ 3 ना बेटा, ऐ 3 कटेगे, की बच गया इत्थे L, इधर 42। हुण 42 ते 3 दी कटिंग जे कि इहनूं नहीं पता, इदां डिवाइड कर लो, 42 3 3 वन जा 3, 4 चो 3 गे 1, थले की आ गया 2, 3 4 दा 12, किन्ने तक बेटा 14 ते, इहदी कटिंग करके किन्ना है 14, ते L दा आंसर किन्ना आ गया 14। बस आपां L दा ही आंसर कढ़ना सी, ये साडा की हो गया आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट है P/7 = 4। देखो हुण पी इत्थे 7 ना की होंदे आ, भाग होंदे आ। हुण आपां फिर इह ते पहले भाग होंदे आ, हुण आपां भाग नहीं करवाउणा, हुण आपां 7 ना की करावांगे गुणा। की लिखांगे, दोनों पक्षों में सात से गुना। बेटा रफ वर्क करना, ये मैं इतने तुहानू करके दिता, तुसीं साइड ते लाइन लगा के कर सकते हो। दोवें पासयां नूं 7 नाल गुणा करो। ठीक है, दोवें पासयां नूं 7 नाल गुणा करो। ठीक है, इधर भी P/7 पहले ही 1 7 नाल आपां गुणा करनी, इधर किन्ना हैगा 4 × 7। ठीक है, ये 7 उपर है, ये 7 थले है, 1 कटेगे, इत्थे की बचा बेटा साडे को पी, इधर 4 7 = 28, ये साडा की हो गया बेटा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा सी वाला,
आएगा 4x इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, हुण 4 इत्थे x नाल की होंदे गुणा, ते आपां हुण सानूं गुणा नहीं, हुण आपां गुणा नहीं करावांगे, हुण आपां की करावांगे, इह पहले गुणा होंदे हुण आपां भाग करावांगे। ठीक है, दोवें पासे लिख दो, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 4 से भाग करो। ठीक है, भाग करो, तो पंजाबी मीडियम विच भी लिख देंगे, दोवें पासियां नू 4 नाल भाग करो, 4 नाल भाग करो। ठीक है, आप लिखता 4x/4 तो 25/4। ठीक है, ए 4 ना आ 4 कटे गए, इतने की बच गए बेटा कल x, तो इधर की आ गया 25/4। 25/4 की बेटा कटिंग नहीं होंगी, ये ताडा की हो गया फिर आंसर, ये ताडा की आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, z/3 इज इक्वल्स टू 5/4। हुण इहदे वेखो, सिर्फ साढ़े को इत्थे जड बचना चाहिए, इत्थे z/3 मतलब कि पहली भाग होंदे आ, तो फिर हुण आपां की करवावांगे, इहदा उल्ट गुणा करवावांगे खत्म करन लई। दोनों पक्षों में 3 से गुणा, दोवें पासे 3 नाल गुणा करो, गुणा करो। ठीक है, गुणा करांगे तिवें दोवें पासे, इत्थे 3 पहले हैगा सी, इत्थे 3 नाल गुणा किया, इत्थे 5/4 है पहले, इहनू भी 3 नाल गुणा करांगे। ऐ 3 ऐ 3 कटिया ना, इत्थे की बच जाना सिर्फ जड। ठीक है, ते 5 × 3 = 15, थले कुछ भी नहीं गा, ओवर 4 आ जाएगा, कटिंग नहीं होंगी, तो फिर ताडा की आएगा बेटा ये आंसर। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये 4 सम होमवर्क लिए नहीं है, तुसी खुद ट्राई करना। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। हुण इहदे च बेटा प्लस भी होगा नंबर, वो माइनस भी करांगे, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, सारे इकट्ठे आ गए ने। ठीक है, उपर वाले च सिर्फ प्लस वाले या माइनस वाले किए, थले वाले च डिवाइड से मल्टीप्लाई होने दे विच तीनों इकट्ठे आएंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा, पंजाबी मीडियम वाले भी देखो बेटा, चल नू वख करन लई तुसी जिहड़े पगां की वरतों करोगे वो दसो, तो फिर समीकरणों नू हल करो। पहले वाले बेटा जिहड़े सम किए सी आपां उच प्लस या माइनस किए सी सिर्फ, दूसरे वाले जिहड़े किए उहदे विच गुणा या तकसीम किए ने, मल्टीप्लाई या डिवाइड किए ने। हुण तीसरे वाले विच बेटा ये तीनों इकट्ठे होणगे, प्लस भी हो सकता नंबर, माइनस भी हो सकता, गुणा भी हो सकता, तकसीम भी हो सकता, तीनों इकट्ठे होणगे। ठीक है, आपां जिहड़ा जिहड़ा स्टैप यूज़ करांगे वो लिख देना साइड पर। हाँ जी बेटा, थर्ड द ए पार्ट देखो, फस्ट पार्ट देखो, 3n - 2 इज इक्वल्स टू 46। सिर्फ बेटा आप इधर एन रहन देना, बाकी सारी टर्म्स खत्म करनी है वाली साइड तो। पहले आप खत्म करांगे, माइनस टू है तो आप एड करांगे प्लस टू, जब माइनस टू प्लस टू ऐड हो जाएगा, माइनस टू है ना, तो यदि ओपोजिट की ऐड करांगे प्लस टू। देखो बेटा किवें सॉल्व करना इनू, फस्ट स्टैप आप कर लगे हाँ, चरण फस्ट पंजाबी च लिख लियो पग पहला, पहले स्टैप की कर लगे, इतने माइनस टू है तो आप ऐड कर लगे हाँ, जमा दा दो। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 जोड़ो। ठीक है, पंजाबी मीडियम च लिखांगे दोवें पासे 2 जोड़ो। ठीक है, कितना है साढ़े को 3n - 2, तो इधर भी प्लस टू ऐड करांगे, तो फिर दूसरी वाली साइड भी प्लस टू ऐड करांगे। ठीक है, ए माइनस टू प्लस टू, ए तो कटिंग हो जानी दोवां दी, इधर की बच गया 3n, इधर की आया 46 ते 2 48। ठीक है,
हुण आपां सैकेंड चरण किहड़ा करांगे। फस्ट चरण तो साडे को कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिहड़ा आपां जोड़े से दोवें पासे दो उन्होंने सॉल्व कर लिया, जी की है 3n-48। हुण की आंदा 3n नाल की आंदा गुणा, तो आप की करवावांगे हुण सैकेंड चरण च, चरण दूसरा जब पग दूसरा, पग दूसरे से आप की करांगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 से भाग करें, ठीक है। ए नंबर इन्ना गुना होंगे है ना, तो इन खत्म करने लिए आप की करवाना पैना सानू डिवाइड। पंजाबी बस मीडियम वाले लिखो दोवें पासे 3 नाल भाग करो, भाग करो, भाग करांगे देखो की आएगा 3n, तो पहले से इन 3 ना भाग करना, 48 नू भी 3 ना भाग करना, ठीक है। आ 3 है, 3 कटे गया, इधर की आ गया n। हुण 48 देखांगे कि 3 1 3 3 6 18, किन्ने ते जाना है बेटा 16 ते, n दी वैल्यू किन्नी आनी है 16। ये तुहाडा की होया ना बेटा आंसर, ठीक है। हाँ जी बेटा नैक्सट देखो 20p/3=40। पहले आप बटा सॉल्व करांगे क्योंकि पी ना जी टर्म हैगी बेटा बाद चो सॉल्व करनी है, पहले जी उस तो दूसरी टर्म हैगी अलग टर्म हैगी सॉल्व करांगे। आ 3 की होंगे इन्ना भाग होंगे, तो हम आप करवावे गुणा, लिखांगे चरण पहला जा पग पहला की कहना, दोनों पक्षों में 3 से गुना करें, गुना, ठीक है। दोवें पासे 3 नाल गुना, दोवें पासे 3 नाल गुना, ठीक है। साढ़े को की सी 20p/3, आप 3 ना गुणा करानी है, तो अगे की 40 × 3, आ 3 ना 3 कटिया गया की बच गया 20p = 40 × 30 कि आ गया 120, ठीक है 120। हुण 20p आ पी 20 ने क्यों होंगे मल्टीप्लाई, तो आप 20 ना हुण की करेंगे भाग, ये गुणा होंगे ना, तो आप करेंगे भाग उदा उल्टा। चरण दूसरा सी ते भाग दू ए 20p = 120। हुण पी दे नाल 20 गुणा होंगे, तो आप करवाओगे भाग दोनों पक्षों में 20 से भाग, दोवें पासे 20 नाल भाग, 20 नाल भाग, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाली लाइन लिख लें, पंजाबी मीडियम वाले बेटा पंजाबी च। 20p तो पहले सी इन्ना भाग करना कि 20 दे नाल, इधर भी भाग हो गया इधर भी भाग, ठीक है। आ 20 ना 20 कटिया गया बच गया इधर पी, इधर आया 0 ना 0 कटेगी, ठीक है। कि आया बेटा 12/2, तो जे अगे कटिंग करेंगे कि छे, तो पी की वैल्यू कितनी आई नहीं बेटा तुहाडे को 6। ये तुहाडा की होया ना बेटा आंसर। हाँ जी दो बेटा ये दो सम होमवर्क लिए ने, ए तुसी खुद ट्राई करना। हाँ जी बेटा फोर्थ सम देखो लिखे समीकरणों हल करो। हुण बस उन्होंने सानू समीकरण हल करने लिए क्या है, कोई भी पग लिखने लिए नहीं किया, आप सीधा समीकरण भी हल कर सकते हैं। देखो जिवें बेटा फस्ट सम की सी साडा 10p = 100, ठीक है। फर्स्ट सम 10p = 100, ठीक है। देखो 10 इधर पी नाल क्यों होंगे गुणा, दूसरी साइड जाके की हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये डिवाइड होना जी बेटा, याद रखियो जी चीज़ डिवाइड होगी वो उधर जाके मल्टीप्लाई होनी है, जी मल्टीप्लाई होंगी होगी वह डिवाइड होनी है, जी प्लस होगी = तो पहला माइनस, तो माइनस होगी तो = तो बाद कड़ी होनी प्लस की। आ याद रखियो चार चीज़ा, ठीक है। हुण गुणा का ही
तो गुणा तो बाद उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड तकसीम, ठीक है। जीरो ना जीरो कटी की बच गया 10, पी दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, ये हो गया साडा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, माइनस पी बटा 3 इज इक्वल्स टू 5, माइनस पी बटा 3 बटा ओवर चा मतलब डिवाइड हो गया दूसरी साइड जाके क्यों जगह मल्टीप्लाई, इनू चुक के इधर वाली साइड ले आया कि बन गया 5 × 3 पाँतियाँ 15, तो क्या आ गया माइनस पी, आ वाला माइनस इधर ले आएंगे तो क्या आएगा पी इज इक्वल्स टू माइनस 15, ये तो क्या हो गया बेटा आंसर। नेक्स्ट देखो सी की गया था, देखो 3s प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इधर प्लस था दूसरी साइड जाके कड़ा हो जाएगा माइनस था, वेरी गुड। 0 − 12 किन्ना आ गया माइनस 12, देखिए 3s, एस से 3 ने क्या होता मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर बच गया किन्ना आ गया माइनस 12/3, कटिंग करेंगे किन्ना आ गया 4, एस ते माइनस का साइन नाल सी किन्ना आ गया एस की वैल्यू −4, की हो गया बेटा ताडा ये आंसर। नैक्सट 2 क्या हो −6 इज इक्वल्स टू 0, अब माइनस है 6 इज इक्वल्स टू तो बाद जाके कड़ा आएगा प्लस का, ठीक है, कि बन जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस का 6 बनने तो बाद देखो कि करेंगे क्या हो 2 ना क्यों होता है गुणा, उधर जाके क्यों हो जाएगा तकसीम, 6/2 आ जाएगा तो इधर 2 हट जाएगा, फिर तो कटिंग करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो क्या हो जी वैल्यू कितनी आई बेटा 3, ये ताडा क्या हो गया आंसर, ठीक है। नैक्सट देखो बेटा 3s इज इक्वल्स टू 0, 3s ने क्या होंगे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0/3 वो भी क्या 0, s की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये ताडा हो गया आंसर। नैक्सट f वाला देखो बेटा 2 = 6, 2 उधर क्या होना कि मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6/2 आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 3, क्या होता आंसर कितना आएगा बेटा 3, ठीक है, ये ताडा क्या हो गया आंसर। हाँ जी बेटा, ये 6 समूह होमवर्क लिए ने, तुसी खुद ट्राई करना।